हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सर, वॉन न्यूमन ने 1945 में एक कंसेप्ट दिया जो कि है स्टोर्ड प्रोग्राम, और आज हमारे पास में जो भी सिस्टम्स है वो किस में कैसे डिजाइन है, स्टोर्ड प्रोग्राम में डिजाइन है। तो पहले हम जानते हैं कि क्या उन्होंने कंसेप्ट दिया था और वॉन न्यूमन मॉडल एक्चुअली में है क्या। तो वॉन न्यूमन मॉडल या आर्किटेक्चर अगर हम बोले, किसने दिया है सर? वॉन न्यूमन ने 1945 में, है ना। और ये कंसेप्ट क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम, मतलब जो टास्क हमें करवाना है वो किसे किसे क्या करेंगे हम एज अ प्रोग्राम, हम क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर कर देंगे, है ना। और सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सिस्टम को करना है वो हम क्या करेंगे, सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर कर सकेंगे। यहाँ पर दो टर्म्स की बात होती है, एक तो होता है फिक्स्ड प्रोग्राम्स, मतलब हमारे पास में जो सेट ऑफ ऑपरेशंस है वो क्या है, फिक्स्ड है, है ना, जैसे हमारा कैलकुलेटर, तो फिक्स्ड प्रोग्राम्स। और दूसरे होते हैं हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम्स, मतलब हमारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं जिनको हमको फुलफिल करना है, और वो फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे स्टोर प्रोग्राम है उन्हें एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वॉन न्यूमन ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, सॉरी जो मॉडल दिया था, उसके हिसाब से हमारा जो कंप्यूटर है वो मेजरली तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है, और रैदर वी सेड फोर पोर्शन, जहाँ हमने इनपुट और आउटपुट को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा इनपुट हो गया, है ना, ये हमारा प्रोसेसर हो गया, और ये हमारा आउटपुट हो गया, और ये है हमारा मेमोरी, जहां पर क्या रहेगा, हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड होगा। वॉन न्यूमन द्वारा दिया गया जो प्रोग्राम है, सॉरी दो जो कंसेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम, उसमें जो प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर्ड होंगे, वो मेमोरी में स्टोर होंगे। तो मेमोरी में हमारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों क्या होंगे, स्टोर होंगे। और यही वॉन न्यूमन की क्या है, एक लिमिटेशन भी है, क्या कि उन्होंने सिंगल मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को रखा हुआ है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो जो कि एक और आर्किटेक्चर है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि क्या हो सकता है कि हो सकता है इंस्ट्रक्शंस या डेटा दोनों एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक को डोमिनेट करें, है ना, दोनों में से कोई एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता है ना, और उसके वजह से एक्सेस टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए हार्वर्ड ने क्या किया कि हम मेमोरी में भी दो मेमोरी रखेंगे, एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी और एक डेटा मेमोरी। लेकिन वॉन न्यूमन ने कहा मेमोरी और डेटा दोनों आप एक ही सिस्टम पे रखोगे, जो कि उसका एक क्या बोलना चाहिए, बॉटल नेक है, जहां पर हम लिमिटेशन ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम में रीच कर जाते हैं। ठीक है, इन डिटेल अगर हम देखें तो हमारे पास में जो मॉडिफिकेशंस और ज़्यादा कंपोनेंट्स को इलोबरेट करेंगे, तो हम किस में इलोबरेट करेंगे, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जिसको हम प्रोसेसर करें। इसमें दो पार्ट्स है हमारे, पहला है हमारा ALU, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा कौन सा है, कंट्रोल यूनिट, जो किस लिए है, कंट्रोल मतलब जितने भी हमारे चीज़ों में ऑपरेशन हो रहे हैं, है ना, अब प्रोग्राम्स हमारे यहाँ स्टोर्ड है, इन प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, कब रीड करना है मेमोरी से, कब राइट करना है, किसको क्या चीज़ें प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है ना। कंट्रोल यूनिट किसके थ्रू करता है, यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स। तो हम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ALU में और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस कंट्रोल यूनिट में, वो हम देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने इलाबोरेटेड फॉर्म बना दिया है, किसका, हमारे CPU का, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में मेमोरी है जिसमें हमने क्या किया है, इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर किया हुआ है,
आयो बसेस है ना, ये आयो बसेस या सिस्टम बसेस और क्या होती हैं, कैसे होती है, वो सब हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर हमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोग्राम कहाँ रहेगा, वो प्रोग्राम रहेगा हमारी मेन मेमोरी में। जब भी हमें कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो उसका जो एड्रेस होगा है ना, ये रहेगा प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना। जो प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो कहाँ रहेगा, प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस रहेगा। ये है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, ये वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करेगा, वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है। वैसे हमारे पास में और भी डिफरेंट स्पेशल रजिस्टर्स है, लेकिन हमने यहाँ पे लिमिटेड रजिस्टर्स लिए हैं, है ना। जिसमें नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर में रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है। अब ये एड्रेस कहाँ कॉपी होगा, सीयू कॉपी करेगा उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से वो लोकेशन पे जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास में एड्रेस जो है वो हमेशा सीपीयू जनरेट करेगा, इसलिए क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, है ना। जब भी मेमोरी को डेटा डालना होगा तो वो कहाँ डालेगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में डालेगा। तो जो हमारी एड्रेस बस होती है वो कैसी होती है, वो यूनिडायरेक्शनल होती है, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, उसका डायरेक्शन मेमोरी की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि एड्रेस हमारा केवल सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ से हमारे पास ने सीयू ने इंस्ट्रक्ट किया तो हमारा पीसी से डेटा मान लीजिए एमएआर में आया, है ना, या फिर हमारे पास में वो डेटा का एड्रेस आया जिसको हमको क्या करना है, रीड करना है। हमने यहाँ पर उसको एड्रेस को भेजा, लेकिन जो डेटा है वो मेमोरी से सीपीयू में भी आ सकता है और सीपीयू से भी मेमोरी में जा सकता है। इस केस में इसको कैसा बनाया हमने, बाय डायरेक्शनल, है ना। तो मेमोरी से भी बस, ये क्यों, कौन सी बस हो गई आपकी, ये हो गई आपकी डेटा बस, है ना। तो मेमोरी से अगर आपको डेटा लाना है तो मेमोरी से डेटा आपके डेटा रजिस्टर में रहेगा, और सीपीयू से डालना है मेमोरी में तो भी हम इस तरीके से डाल देंगे। सीयू क्या है, हमारा कंट्रोल यूनिट। जितने भी ऑपरेशन है हमारे, है ना, किस सीक्वेंस में होना है उसको हैंडल कौन करता है, उसको हैंडल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसके थ्रू करता है, कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू। कंट्रोल यूनिट खुद भी किससे कैसे इम्प्लीमेंटेड होता है, तो कंट्रोल यूनिट को हम अपने हिसाब से, मतलब सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट बोलेंगे, सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। कुछ सिस्टम में स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको नाम दिया है हमने एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर बेस्ड अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका अगर एड इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो एड ACC RO, तो बेसिकली होगा क्या, ACC टेंड्स टू ACC+R1। मतलब एक इंस्ट्रक्शन, एक ऑपरेंड ऑलवेज कहाँ रहेगा आपका, एक ऑपरेंड हमेशा आपका एक्यूमुलेटर में ही अवेलेबल होगा। ऐसी टाइप के इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको क्या जरूरी है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर है ना, जिसको यूज करते हैं हम डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। देन हमारे पास में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अगर हम हर बार डेटा को मेमोरी से एक्सेस करेंगे तो हमें टाइम बहुत लगेगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिस्टम को फास्टली डेटा चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, तो हम डेटा को कहाँ लाकर रख लेते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में। और भी हमें अगर वो रिजल्ट्स को स्टोर करना है ना, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर को ही यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये जनरल और मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर है, मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स है। इसमें और भी कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके आईओ बसेस। जब हमें इन आईओ से इनपुट आउटपुट से डील करना होता है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, बस की रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा क्या है, इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आईओ इंटरफेस क्या करेगा, इंटरलिंक करेगा किसको, हमारे सिस्टम, हमारे सीपीयू को और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास में जो डिवाइसेस है ना, जरूरी नहीं है कि वो वही फॉर्मेट फॉलो करे जो हमारा सिस्टम फॉलो कर रहा है।
उस केस में जो आईओ इंटरफेस है वो रिस्पॉन्सिबल है किसलिए, टू प्ले एज अ इंटरमीडिएट एज अ एजेंट बिटवीन डिवाइस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इस तरीके से वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हम जो जिसमें हमें मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ये चार चीजें लगी है, उनका कनेक्शंस इस तरीके से होंगे। वॉन न्यूमन में हम लोगों को दो कॉमन चीजें याद रखना है। पहला कि इसमें जो डेटा है वो और इंस्ट्रक्शन है दोनों एक ही मेमोरी में रहेंगे, और दूसरा इस जो आर्किटेक्चर है ना, इसमें जो ऑपरेंड्स है वो कहाँ पर रहेंगे या टेम्प्रेरी रिजल्ट्स कहाँ स्टोर होंगे, प्रोसेसर के रजिस्टर्स में स्टोर होंगे। तो की पॉइंट्स जो है हमारे वॉन न्यूमन के, उसमें क्या है, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम, और स्टोर्ड प्रोग्राम है इसीलिए हमारे पास में क्या है, मेमोरी है, मेमोरी है, हमारे पास में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि क्या कर रहा है, मेमोरी से डेटा फेच कर रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट्स है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल यूनिट जो इन ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एंड लास्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमारे इनपुट को लेती है और आउटपुट को प्रेजेंट करती है। एंड वन मोर थिंग कि हम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को एक ही जगह पे रख रहे हैं, एक ही मेमोरी में रख रहे हैं, जो कि इसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में है। इसी के पैरेलल ही हमने एक और आर्किटेक्चर देखा, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को अलग अलग मेमोरी में रखा जा रहा है। ऐसा किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स यूजुअली रियल टाइम एप्लीकेशंस पे लगते हैं और वहाँ पे डेडिकेटेड टास्क होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो उनका डेटा है एक्सेस करने का टाइम, वो लेटेंसी जो है वो कम से कम लगे। और वो कम से कम लेटेंसी कब लगेगी, जब हम ऐसे डेटा को साथ में रखेंगे जो एक्चुअली में साथ में रह सकते हैं, मतलब डेटा को डेटा के साथ में रखेंगे और इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन के साथ में रखेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस है ना, चाहे वो स्पेशल लोकेलिटी दिखाए या पार्शियल टेम्पोरल लोकेलिटी दिखाए, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन की लोकेलिटी अलग होगी और डेटा की लोकेलिटी अलग होगी। इसीलिए जो रियल टाइम एप्लीकेशन या माइक्रो कंट्रोलर्स है उसमें क्या किया गया है, मेमोरी में अलग अलग रखा गया है इंस्ट्रक्शन और डेटा को, जो कि हमारे वॉन न्यूमन का बॉटलनेक है। इसको हम वॉन न्यूमन बॉटलनेक भी कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमारी लेटेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इसको नाउडे सिस्टम्स में ओवरकम कैसे किया गया है कि हम जो फ्रिक्वेंट एक्सेस डेटा है हम उसमें कहाँ रखते हैं, उसे हम कैशे में रखते हैं। और कैशे वर्क्स किस पे करता है, कैशे वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी में, और प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल लोकेलिटी पे वर्क करता है। तो इस तरीके से हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है।